हमारे भरसा नागपुटों नागभीड़ ये ब्रॉडगेज मंजूर हो चुका है, इसको तो एक दिन में गति से काम चालू है इसका। और ओबीसी का एक विषय है बहुत दिन से चालू है, 19% का तो आरक्षण 6% हो गया, ये भी ऊपर वापिस 19% यदि हो गया तो यहाँ के जो ओबीसी समाज है जो हमारे साथ में है पार्टी के साथ में अपने पार्टी को लाभ मिलेगा। की सरकार आने के बाद माओवाद और नक्सलवाद का खास हमारे क्षेत्र में कम हो गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया इसकी बिल्कुल चर्चा ही नहीं करता, हमारे कार्यकर्ता भी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। आप इस वास्तव को कैसे देखते हैं सर जी? नमस्कार। मुझे अच्छा लगा कि हमारे कार्यकर्ता देश में क्या हो और कैसे बदलाव आ रहा है उसे अच्छी तरह पहचान रहे हैं। एक समय था जब पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि माओवाद देश पर हावी हो रहा है, और आज आपने सही कहा है कि देश भर में नक्सलवाद माओवाद का खौफ कम हो रहा है। कार्यभार संभाला था तब माओवादी हिंसा का हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित रहे जिलों में से 11 में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था, वहां आज 8 नए केंद्रीय विद्यालय और 5 नए जवाहर नवोदय विद्यालय बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। माओवाद से प्रभावित इलाकों में बैंकों की पहुंच सीमित थी, माओवादी हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बड़ी संख्या में बैंकों के ब्रांच और एटीएम खोलने की पहल की गई है। आज देश देख रहा है कि माओवाद को हारने की हमारी जो हराने की जो हमारी व्यूहरचना है वो कामयाब हो रही है। आइए गढ़चिरौली से हम चलते हैं हिंगोली की तरफ। आज मुझे नरेंद्र मोदी कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद अद्भुत संमेलन या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित देशाचे गृहराज्यमंत्री आदरणीय हंसरावभैया अहिर, महाराष्ट्र प्रदेशाचे महामंत्री